वेलकम बैक गाइज। आज हम इस वीडियो में सिलिकॉन कैथेटर के बारे में बात करने वाले हैं। पहले मैं आपको इसकी कंपनी के बारे में बताऊंगा, फिर मैं आपको इसके प्राइस रेट के बारे में बताऊंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसे किन किन कंडीशंस में है जो यूज़ करते हैं, ये काम कैसे करता है, इसके बारे में बात करेंगे। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, लेट्स डाइव इन टू इट। तो गाइज़ ये है रोमसन्स कंपनी का सिलिकॉन कैथेटर। देखिए 100% सिलिकॉन, और अगर प्राइस रेट की बात करें तो ये आपको 617 रुपए का मिलता है, और इसकी जो बलून कैपेसिटी है वो है 15 से 30 ml, और ये है 16 नंबर का गाइज। और अगर कलर कोड की बात करें, इसका है ऑरेंज। ये मैं किसी टाइम इन कलर कोड से इतना डरता था गाइस, तो उसके लिए मैंने एक सोल्यूशन बनाया, वो था कलर कोड को उनके नंबर के हिसाब से मैं याद करने लगा, वो है गोरी वेरी ब्यूटीफुल पायलट बॉय बिलीव। तो यहाँ पर जी से आता है ग्रीन, जो है 14 नंबर, उसके बाद ओ से ऑरेंज, जो है 16 नंबर, आर से रेड, वो है 18 नंबर, और वाई से येलो, जो है 20 नंबर, फिर वी से वॉयलेट 22 नंबर, बी से ब्लू 24 नंबर, पी से पिंक गाइस 26 नंबर, और बी से ब्राउन 28 नंबर, और बी से ब्लैक 30 नंबर। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर 3 B हैं, और हमें कैसे पता लगेगा कि कौन सा B ब्लैक के लिए यूज़ होएगा, या फिर ब्राउन के लिए, या फिर ब्लू के लिए। तो गाइज़ जो ये कलर कोड हैं, इनको भी एक कॉन्सेप्ट के ऊपर बनाया गया था, तो उसके लिए आपको पिक्सल लैब एक एप्लीकेशन है, उसको मैं दिखा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए कि कलर कोड को किन बेसिस पर बनाया गया है। तो ये पिक्सल लैब है, तो हम इसके कलर मेन्यू पे चलते हैं। तो यहाँ पर गाइस 5th में आपने पढ़ा होगा कि प्राइमरी कलर्स होते हैं जिनके कॉम्बिनेशन से जो बाकी सारे रंग बनते हैं। यहाँ पर जो रेड ग्रीन और ब्लू है, उसके कॉम्बिनेशन से वाइट बनाए, देख सकते हैं आप। और इनकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो है 255, देखिए यहाँ पर। और अगर गाइस मैं इनकी जो 55 की वैल्यू है 255 की, उसको 0-0 कर देता हूँ, तो गाइस जो वाइट का अपोजिट है वो क्या होता है? जी हाँ, बिल्कुल ब्लैक होता है गाइस, बिल्कुल। तो अगर हमने 0-0 कर दी तो यहाँ पर ये ब्लैक हो गया। अब ऐसे ही अगर हम जो है इनकी रेड ग्रीन और ब्लू की जो वैल्यू है उसको मैक्सिमम कर देते हैं 255, तो ब्लैक का अपोजिट क्या होएगा? वाइट। तो गाइस वाइट हो जाएगा वो, है ना गाइस, ये देखिए। और इसको अच्छे से क्लियर करने के लिए आप देखिए, यहाँ पर अलग अलग वैल्यू से आप कोई सा भी रंग बना सकते हैं, जो प्राइमरी कलर्स हैं उनकी वैल्यू को आप घटा बढ़ा के, है ना गाइस। तो अगर मैं आपको सीधे सीधे बताऊं, तो जो डार्क कलर हैं जैसे ब्राउन और ब्लैक, उनकी वैल्यू कोडिंग में ज़्यादा होगी। जैसे ब्राउन है वो 28 नंबर का है, और जो ब्लैक है वो 30 नंबर का है। वैसे ही जो लाइट कलर हैं उनकी वैल्यू कम होगी, जैसे ग्रीन 14 नंबर और ऑरेंज 16 नंबर का। और ये एडल्ट साइज में काम करता है गाइस, ओके। तो आगे अगर आपको मेरी ये इतनी बातें समझ आ रही हैं, तो हम आगे चलते हैं। तो ऑलराइट गाइस, अब आगे चलते हैं। तो जो लड़का है उसने बिलीव किया हुआ है कि गोरी एक बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल पायलट है। तो यहाँ पर बॉय बिलीव गर्ल हु गोरी इज़ वेरी ब्यूटीफुल पायलट। ओके गाइस, तो ये आपने उल्टना है, जो कैथेटर के नंबर जो रह गए थे पेंडिंग, उसको पूरा करने के लिए आपने चलना है। तो यहाँ पर W से वाइट बनेगा 12 नंबर का, और G से ग्रे बनेगा वो है 10 नंबर। ओके गाइस, तो यहाँ पर 10 नंबर, और फिर आता है बिलीव। जो बिलीव है यहाँ पर बी फोर ब्लैक है 30 नंबर का, लेकिन आपने लेना है यहाँ पर 8 नंबर, बी फोर ब्लैक
आठ नंबर का, और जो बॉय है वो यहाँ पर ब्राउन है, वो आपने लेना है छः नंबर का। तो इसको याद करने के लिए आप ऐसे कर सकते हैं कि जो बॉय है उसके सिक्स पैक होते हैं, ओके, तो वो हैंडसम बॉय है जिसके सिक्स पैक हैं। तो ऐसे आप कंसेप्ट है जो इसको याद कर सकते हैं गाइस। और ये यूजली इंटरव्यूज़ में भी पूछा जाता है, और जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें तो ये डेफिनेटली क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो अगर आपको ये समझना आया हो तो वीडियो को दो तीन बार आप देखेंगे तो ये जो चीज़ आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाएगी गाइस। और जो ये चीज़ है बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, और ये जो चीज़ है मैं कभी किसी के साथ शेयर नहीं करता था। तो चलिए गाइस आगे बात कर लेते हैं कि सिलिकॉन कैथेटर को जो डॉक्टर हैं वो रेकमेंड क्यों करते हैं, क्या कारण है उसका रेकमेंड करने का। तो गाइस जो लेटेस्ट कैथेटर होते हैं, जो सिंपल कैथेटर हैं, वो यूरिनरी ब्लैडर की म्यूकस मेम्ब्रेन को इंजरी करने का उनसे ख़तरा बना रहता है, जैसे मिटाइटिस और यूथराइटिस, जबकि सिलिकॉन कैथेटर हैं वो कि म्यूकस मेम्ब्रेन को इंजर्ड नहीं करते। लेटेस्ट कैथेटर यूरिनरी म्यूकोसा को इरीटेट करते हैं, जबकि सिलिकॉन कैथेटर कम इरीटेट करते हैं। लेटेस्ट कैथेटर में जल्दी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, जबकि सिलिकॉन कैथेटर बैक्टीरिया रेजिस्टेंस होते हैं, उनमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन जल्दी से नहीं होता। लेटेस्ट कैथेटर टेम्परेचर और तापमान है उसके प्रति संवेदनशील होते हैं, जबकि सिलिकॉन कैथेटर हैं वो इतने संवेदनशील नहीं होते। कुछ समय के बाद लेटेस्ट कैथेटर केमिकल से ख़राब होने लगते हैं, जबकि सिलिकॉन कैथेटर पर उनका कोई असर नहीं पड़ता। सिलिकॉन कैथेटर से आप साफ साफ ड्रेनिंग को देख सकते हैं क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट होते हैं, लेकिन जो लेटेस्ट कैथेटर हैं वो ट्रांसपेरेंट नहीं होते, आप उसमें जो है ड्रेनिंग को नहीं देख सकते। तो चलिए गाइस अब मैं आपको बताता हूँ कि ये काम कैसे करता है। और देखिए मुझे इसे खोलना पड़ेगा आपको सिखाने के लिए, और नई पैकिंग जो मैं इसे खोल रहा हूँ और इस वीडियो को बनाने के बाद मुझे इसे फेंकना पड़ेगा, कोई बात नहीं आपको सिखाने के लिए, ये भी सही। तो गाइस ये देखिए ये यहाँ से इसको खोलते हैं जब कैथेटराइजेशन करते हैं, लेकिन इसके ऊपर वीडियो अलग से बनाएंगे। आज जो हमारा बस कॉन्सेप्ट है इसको क्लियर करने का कि ये काम कैसे करता है। तो गाइस ये देखिए यहाँ पर आप दो फनल देख रहे होंगे, दो रास्ते, यहाँ पर रोमसंस 16 फ्रेंच लिखा हुआ है, ये इसका साइज़ है, और 15 से 30 ml की इसकी बलून कैपेसिटी है, 5.3 mm ये इसका साइज़ है आगे का, और ये वॉल्व है, यहाँ से इन्फ्लेट करते हैं, यहाँ से यूरिन आता है, वहाँ से जो है इन्फ्लेट करते हैं बलून को। और जो दूसरा हिस्सा है देखिएगा इस ये वाला हिस्सा, यहाँ से इन्फ्लेट होता है और बलून जो है पूरा फूल जाता है। और ये जो इसकी टिप है ये लेड से बनी है, जिसको रेडियोग्राफी में देखते हैं, जो कैथेटराइजेशन की कैथेटर की जो पोजीशन है उसको देखते हैं, ये काफ़ी यूज़फुल होता है लीड। और ये जो आप पोर्स देख रहे हैं यहीं से जो है यूरिन बाहर आता है, और यहाँ से इन्फ्लेट करते हैं, है ना गाइस, तो जो बलून है वो फूल जाता है अच्छे से। और जो इसके आप पोर्स देख रहे हैं ये छोटे छोटे, यहाँ से जो है यूरिन बाहर आता है, और यहाँ से यूरोबैग को अटैच कर देते हैं। तो इन्फ्लेट कैसे करते हैं गाइस, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो इन्फ्लेट सबसे पहले तो 0.9% नॉर्मल स्लाइन से करते हैं, जिसके अंदर 0.9% सोडियम क्लोराइड होती है। तो सबसे पहले तो यही है अच्छा कि आप नॉर्मल स्लाइन का यूज़ करें। और दूसरा ऑप्शन है डिस्टल वाटर, कई हॉस्पिटल होते हैं जहां पर प्रोटोकॉल होता है डिस्टल वाटर से नॉर्मल स्लाइन को यूज़ नहीं करते, डिस्टल वाटर जो है उससे इन्फ्लेट करते हैं। और कई लोग हैं जिनके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि जब एंडोट्रैकिया ट्यूब को हम एयर से इन्फ्लेट कर सकते हैं तो कैथेटर को क्यों नहीं करते। तो गाइस एयर से इन्फ्लेट इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि जो एयर का वेट है वो यूरिन के मुकाबले कम है, तो जो हमारा बलून है वो यूरिन के ऊपर फ्लो करेगा, उसके ऊपर तैरता रहेगा। तो ऐसे में जो है यूरिनरी जो ब्लैडर है उसकी म्यूकस मेम्ब्रेन डैमेज हो सकती है, या फिर एयर निकल भी सकती है, जो इन्फ्लेट की हुई एयर है वो निकल भी सकती है, और जो हमारा कैथेटर है वो वापस बाहर आ जाएगा। तो ये भी एक बात होती है
जिससे हम इन्फ्लेट नहीं करते एयर के साथ, और आप डिजिटल वाटर लीजिए या फिर नॉर्मल स्लाइन लें 0.9%, और वो आपने इन्फ्लेट आप कर सकते हैं 10 से 15 ml तक। नॉर्मली जो होता है वो 10 ml डालते हैं, या फिर मैक्सिमम आप ज़्यादा से ज़्यादा 15 ml भी डाल सकते हैं, लेकिन जो इसकी बलून कैपेसिटी मैंने आपको बताई थी वो 15 से 30 ml तक की थी, है ना गाइस। तो अगर मेरा आप सुजेशन माने तो आप जो है नॉर्मल स्लाइन 0.9% को ही यूज़ करें इन्फ्लेट करने के लिए। ओके गाइस, तो चलिए आगे चलते हैं। कुछ सवालों के जवाब मैं दूंगा जो कॉमनली क्वेश्चन होते हैं, कब करते हैं कैथेटराइजेशन। तो गाइस ये एक नॉर्मल सा क्वेश्चन है। कैथेटराइजेशन नॉर्मली तब करते हैं जब पेशेंट को यूरिन पास नहीं हो रहा, यूरिनरी डिस्टेंशन उसको बना हुआ है, और ये प्रोस्टेट के केस में सबसे ज़्यादा होता है जिसके कारण यूरिन आता नहीं है, या फिर ऑपरेटिव केस होते हैं उसमें भी होता है। और अगर गाइस मैं सीधे सीधे बताऊँ तो जो पेशेंट कैपेबल नहीं होते यूरिन को पास करने के लिए उनको जो है कैथेटराइजेशन करते हैं। आगे कैथेटर को कितनी गहराई तक अंदर डालें, तो गाइस ये देखिए जो कैथेटर की ये टिप देख रहे हैं आपने, ये सारी की सारी अंदर डालनी है, उसके बाद इन्फ्लेट करना है नॉर्मल स्लाइन से और फिर बाहर पीछे की साइड पुल कर लें। ओके गाइस, तो क्या होगा अगर कैथेटर पूरा ब्लैडर में नहीं गया और मैंने कैथेटर को इन्फ्लेट कर दिया, तो गाइस इसका मतलब ये है कि वो यूरेथ्रा में होगा, और अगर आपने इन्फ्लेट कर दिया तो जो है यूरेथ्रा डैमेज हो सकता है या फिर रैप्चर्ड हो सकता है, ये एक सीरियस कंडीशन हो सकती है। क्या होगा अगर मैंने कैथेटर को इन्फ्लेट नहीं किया तो गाइस वो रिटेंड ही नहीं रहेगा यूरिनरी ब्लैडर में, और जो कैथेटर है वो बाहर आ जाएगा, जो हमारा प्रोसीजर है कैथेटराइजेशन का वो बेकार हो जाएगा। कैथेटर को कब बदल लेना चाहिए, नॉर्मली जो नॉर्मल कैथेटर होते हैं फोलीज कैथेटर वो 7 से 15 दिन के अंदर बदल लेना चाहिए, और जो सिलिकॉन कैथेटर है वो मेरे हिसाब से 1 से 3 महीने तक चल जाता है, लेकिन कई कंडीशंस भी होती हैं, अगर आपको कंडीशन पेशेंट की अच्छी नहीं लग रही तो आप जो है उसको बदलें, वरना पेशेंट को इन्फेक्शन हो सकता है, यूटीआई हो सकता है गाइस। तो गाइस आज का जो हमारा पूरा का पूरा इस वीडियो का एपिसोड था ये सिलिकॉन कैथेटर के ऊपर था। अगर आपके दिमाग में अभी भी कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे ज़रूर ज़रूर पूछिए, मैं कमेंट सेक्शन में उसका जल्दी से जल्दी आंसर दूंगा, और मुझे खुशी होगी आपके सवालों का जवाब देके। ओके गाइस, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। मैं आपसे अगली वीडियो में फटाफट मिलूंगा, तब तक के लिए स्टे हेल्दी स्टे फिट।